बागी सप्ताह है 7 दिसंबर 2022। पाँच सौ नहीं होता, ऑनलाइन भरो भाई, ऑनलाइन रिसीट देना है। मोबाइल में रहेगा ना। सोलापुर शहर के बीजापुर बेस एरिया में चारों तरफ होटलों की लाइन है। इस दौरान बीजापुर बेस से 12 इमाम चौक जाने वाले रास्ते के बीचों बीच कई गाड़ियां बेकायदेसीर पार्क की जाती है। यहां पर नो पार्किंग होने के बावजूद चार चाकी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा के साथ साथ दुपहिया गाड़ियां भी पार्क की जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। गौरतलब है कि सोलापुर वाहतुक शाखे की तरफ से अब बीजापुर बेस में बड़े मियां होटल के सामने जो रास्ता है, वहां पर अगर आप अपना वाहन पार्क करेंगे तो आपको ऑनलाइन चलन लगाकर दंड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके चार चक्की गाड़ियों को और ऑटो रिक्शा को जामर लगाया जा रहा है। तो जो भी अब बीजापुर बेस में आप आ रहे हैं तो अपने दूचा की गाड़ी या ऑटो रिक्शा या चार चक्की वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करने पर आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। खबरदार हो जाइएगा वाहन चालकों, बीजापुर बेस पर जहां पर पार्किंग है वहीं पे गाड़ी लगाने का आवाहन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। पिछले 5-6 दिनों से यहां पर ट्रैफिक की कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते यह रास्ता अब खुली सांस लेता नजर आ रहा है। इमरान सगरी, लोक प्रधान न्यूज, सोलापुर।